नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सब उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो ये हमने कटहल लिया है, कटहल को हम पहले से ही काट के रख लिए थे और इसे हम पानी से अच्छे से धुल लिए हैं। अब इसे हम बॉयल करेंगे, तो पानी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। और ये आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। इसे हम गैस पे 10 मिनट के लिए चढ़ा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और ये कटहल है और ये दो प्याज हमने काट लिया है बारीक बारीक और ये टमाटर और लहसुन हमने 5 से 6 कली ली है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम कटहल को फ्राई करेंगे। इसे हम 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। तो देखिए, कटहल हमारा तेल में अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। कटहल अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट कटहल बनेगा। तो कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और मिला देते हैं, प्याज को डाल देते हैं और लहसुन भी डाल देंगे। इसे हम काटेंगे नहीं, ऐसे ही डाल दिए हैं। तो प्याज हमारा आधा पक चुका है, अब इसमें हम टमाटर मिला देते हैं। टमाटर को भी हम अच्छे से तेल में भून लेंगे। अब हम मसालों को मिलाएंगे, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और सब्जी मसाला मिला लिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा टमाटर और प्याज पक गया है। इसे हम इस तरह से मैश कर लेंगे और ये हम खड़ी लाल मिर्च डाल दिए हैं और थोड़ी सी हींग डाल दिए हैं। तो इस तरह से हम चलाते जाएंगे। और ये 1 चम्मच हमने गरम मसाला मिला दिए हैं। तो देखिए, हमारा मसाले का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें कटहल को डाल देते हैं। कटहल को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये कश्मीरी लाल मिर्च मिला देते हैं, जिसमें हमारे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा लगे।
अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को हम देख लेते हैं। तो हम इसे चला देते हैं और इसे हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, फिर से हम सब्जी को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी सब्जी का रसा भी गाढ़ा हो गया है और सब्जी भी पक चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से कटहल की सब्जी बनाइए और खाइए। आप इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या खाने में बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।